हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको वाई ग्रुप से रिलेटेड जीके क्वेश्चन कराऊँ, 25 क्वेश्चन लिख कराएंगे। तो आप 25 में आप 20 नंबर ला के दिखाइएगा, ठीक है। चलिए तो 25 में से 20 नंबर ला के दिखाइएगा, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके मॉडल सेट को ना देखा हो तो उसके पहले मॉडल सेट को देख लीजिएगा। ये इसके जितने भी मॉडल सेट हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, तो आप इनकी वैल्यू समझ सकते हैं इस वीडियो में देख के। आप ये क्वेश्चन देख के बताइएगा वैल्यू कैसी है इसकी, ठीक है। द चेस होता है जो, ठीक है। तो दच्छे जो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है पूछा गया था, बताइए जरा बताइए। या तो फिर सार्क लिख के आ जा सकता है, या तो दच्छे। इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू भी कह सकते हैं या नेपाल, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। नेपाल या काठमांडू दोनों में कह सकते हो, सार्क और या दच्छे कह सकते हो। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है, 7 होती है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। दिया गया है वर्तमान में वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन है। 27 का यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है तो सऊदी अरब है। कच्चा जो सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो तेल है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादक आपका सऊदी अरब में ही होता है। डियर मनी का अर्थ क्या है, डियर मनी का अर्थ है बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर ब्याज की उच्च दर होती है। मैजर स्क्वायर कहाँ अवस्थित है पूछा गया था, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, इसका चौथा पार्ट इसका राइट हो जाएगा, बेथलहम में, ठीक है। जॉर्ज सम्राट पंचम किस देश के थे, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका इंग्लैंड में, ठीक है। जॉर्ज पंचम है वो इंग्लैंड के निवासी हैं, इंग्लैंड देश के। चलिए दिया गया है ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, और जो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता वो भी मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो वैसे किस खेल से संबंधित है, तो 31 का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों तीसरा पार्ट है, हॉकी से, ठीक है। याद कर लीजिए, ये हॉकी के जादूगर भी कहा जाते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो ये दिया गया था हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका इसका चौथा पार्ट रामानंद है, रामायण में रामायण तो रामानंद सागर है, ठीक है। दिल्ली में विजय घाट, तो विजय घाट समाधि किसकी थी, तो 33 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका वैसे पहला पार्ट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विजय घाट आपके किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आप ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो विजय घाट समाधि है, ठीक है। इनका 33 का पहला राइट है। और जो जगजीवन राम का क्या होगा, जगजीवन राम का होगा समता स्थल, ठीक है। चलिए, और चरण सिंह का क्या था, चौधरी चरण सिंह पूरा नाम है उसे, तो इनका क्या था, किसान घाट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का क्या था, शांति वन था, ठीक है। और संजय गांधी का भी शांति वन था, ठीक है। एक बार रिपीट पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किस देश में हुआ। 34 का राइट ऑप्शन चौथा पार्ट है UAE, ठीक है। कोणार्क का मंदिर किस भगवान को समर्पित है पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो सूर्य को, ठीक है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित, सूर्य को, तीसरा राइट है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है, और बताइए जरा, तो वो क्रिकेट था, ठीक है। 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, 37 का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका दूसरा, खगोल विद्या, खगोलीय पिंड संबंधी, तो खगोल विद्या। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को होता है, ठीक है। ये आपका राइट है, ठीक है। इसमें कोई कठिन था नहीं, ठीक है। 38 का पहला है, 39 हॉलैंड की मुद्रा क्या है, हॉलैंड की मुद्रा क्या होगी, 39 नंबर क्वेश्चन है, तो गिल्डर है। देखिए हॉलैंड में डा आ रहा है, इसमें भी डा आ रहा है, तो हॉलैंड की गिल्डर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया, और चलिए ठीक है। और मैंने करेंसी है जो आपको वो ट्रिक से पढ़ाई है, ठीक है। मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करेंसी से मैंने पढ़ाई है, ठीक है। या तो फिर सर्च कर लीजिएगा एयर फोर्स करेंसी डिफेंस स्टडी,
ठीक है, या फिर शायद सर्च करने पे ना आए तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हॉलैंड की वो गिल्डर होगी, सिंपल है। और ये दिया गया है, चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैंने बता दूँ कैसे मैंने बताया था। मान लीजिए अर्जेंटीना क्या होती है, एक सेकंड के बाद लिख देना, अर्जेंटीना की क्या होती है और मैक्सिको की क्या होती है, बताइए करेंसी। और एक करेंसी हम पूछ लेते हैं आपसे कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या होती है। 2 सेकंड रुकिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए अर्जेंटीना की होती है पेसो, मैंने बताया था पेसो को ट्रिक पढ़ाई थी, पेसो को पैसा कर लिया था और मैंने कहा था अर्जेंट पैसा दो, तो पैसा अर्जेंट पैसा दो मतलब अर्जेंटीना की पेसो हो जाएगी। और मैंने कहा था मैक्सिमम पैसा दो, तो मैक्सिको पैसा दो। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये तीसरा बताया था कौन सा, और ऑस्ट्रिया की बताई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की बताई थी यूरो, मतलब देखो यूरो को यारो कर लिया था मैंने, यारो से आस रहती है। ठीक है कि ठीक है, यूरो से ऐसा आस रहती है। ठीक है, और एक है ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। येन, जापान की येन होती है, ये हर बार पूछी जाती है, जापान की टोक्यो होती रहता है ना, ये पूछी जाती है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है चलिए, तो मैंने ट्रिक से पढ़ाई है, तो आप मन हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। 40 का क्या होगा इसका, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, पल्लवों ने करवाया था। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, 41 का चौथा ब्राज़ील है, चौथा 41 का चौथा राइट ऑप्शन है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, हाँ 42 हो, 42 होगा। ठीक है, 41 तो हो गया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का है, तो बताइए क्या है, बताइए। एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, एक ही मात्र एक ही उपग्रह है केवल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, ये बताइएगा। एक सेकंड रुकिएगा केवल, कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर आपका यहाँ 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, या संपत्ति रखने का स्वतंत्रता, या आने जाने की स्वतंत्रता, या कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए, संपत्ति का अधिकार है जो, वो आपका स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, हटा दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी, याद होना चाहिए, याद होगा। ठीक है, 45 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है चलिए, तो ये बात है कि 1526 पानीपत का प्रथम हुआ था, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय हुआ था, और 1761 पानीपत का थर्ड हुआ था। ये दिया गया है, तमस किनकी रचना है, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो वैसे तमस है जो आपके भीष्म सैनिक की है, और दोस्तों ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, भीष्म में मा आ रहा, इसमें मा आ रहा, इसमें सा आ रहा, इसमें सा आ रहा, थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा भीष्म सैनिक से। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है, पूछा गया था। तो 47 का दोस्तों आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका पेरिस में है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, 49 नंबर क्वेश्चन का, देहरादून में स्थित है। बिहार के राज्यपाल कौन है, ये दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो 50 का दूसरा सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए, अगर वीडियो ज़रा से भी थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मॉडल शर्ट था ये, शायद 15 मॉडल शर्ट था, इसके पहले मॉडल शर्ट को ना देखा तो उसको जाकर विजिट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिएगा। ठीक है।